पारेख ने भावनगर से। कल्पेश जी ने अपनी जन्म तिथि बताई है 29/6/1989। जन्म समय है रात के 9:45 और जन्म स्थान है इनका पोरबंदर। प्रश्न इनका है कि शादी इनकी हो चुकी है, पति के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, जैसे अभी हैं क्या वैसे ही रहेंगे? देखो आरती जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपको डर क्यों लग रहा है, पहले तो ये चीज को बता दूं, क्योंकि आपकी होरोस्कोप के अंदर पति स्थान का मालिक चंद्रमा जो चौथे स्थान के अंदर यानी सुख स्थान में विराजमान तो है, लेकिन वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य छठे स्थान में जाके उसका जो तेज है वो आपसे छीन लिया है। तो आपको ये डर लगता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैरिज के बाद सूर्य को मैं पति मानता हूँ और पति का ही कार्य वो सूर्य करता है। जो आपके पिताजी का सुख आप नहीं ले पा रहे हो वो आप अपने पति से ले सकते हो, ये भी यहाँ दिख रहा है। दूसरे नंबर में आपने जो क्वेश्चन किया है कि अभी जो जिस प्रकार मेरा रिश्ता पति के साथ चल रहा है वैसा चलेगा कि नहीं, तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं आरती जी कि आप सप्तम स्थान के अंदर शुक्र और मंगल लेके बैठे हुए हो और चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान का आपका परिवर्तन योग है, यानी कि चौथे स्थान का मालिक सप्तम स्थान के अंदर मंगल बैठा हुआ है और सप्तम स्थान का मालिक चौथे स्थान के अंदर वो चंद्रमा बैठा हुआ है। किसी ने आपको बता दिया होगा कि आपका मंगल सप्तम स्थान में नीच का है तो आपको मंगल दोष है, लेकिन आपका नीच का मंगल है उसकी वजह से आप थोड़े हैरान परेशान रहते हो, तो पहले तो ये माइंड में से निकाल दीजिए कि आपके पतिदेव के साथ रिश्ते आपके बिगड़ेंगे। हाँ, एक बात और बता दूँ कि आपने एक चीज़ नोट नहीं किया है, लेकिन आपको बता दूँ कि आप कोई भी चीज़ अपने पति से मांगते हो उससे उसके पहले आपके सामने हाजिर हो जाती है, ये आपकी कुंडली बता रही है। तो पहले तो आपको बता दूँ कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपको पति मिला हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपको ये भी बता दूँ कि आप थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, आपके पति के साथ जैसे ही रिश्ते हैं ऐसे रहेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि सप्तम स्थान का लॉर्ड आपका चौथे स्थान के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, वो मेष राशि में, आपका मंगल नीचे, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से पे ज़्यादा कंट्रोल रखेगा। आपके यही गुस्सा आपके पति का माइंड बिगाड़ सकता है या पति को नुकसान करवा सकता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये कुंडली यही बता रही कि ओनली आपको तकलीफ होगा तो आपके गुस्से से होगा, बाकी पतिदेव आप पे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी एक चीज को भी आप मन पे पकड़ के रखते हो, और वो ये आपके पतिदेव की बात करें तो वो कोई भी चीज को पकड़ के नहीं रखते, वो छोड़ देते हैं। कई बार आप गुस्सा होके उनसे रूठ जाते हो तो आपको वो मनाते हैं, लेकिन जैसे वो रूठ जाते हैं तो आप जल्दी नहीं मनाते हो, तो पहले इसमें माइनस कीजिए। और आपके पति जैसे आपको मनाते हैं वैसे ही आप भी उनको मनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा और रिश्ता लंबा चलेगा। आपके मंगल का इफेक्ट जो मैंने बताया कि नीच का है, लेकिन आपकी राशियाधिपति मंगल है तो आप टेंशन कर सकते हो और पति के साथ गुस्सा भी हो सकता है, तो गुस्से पे आपको ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि आपके होरोस्कोप के अंदर मृगशीर्ष नक्षत्र का बुध बैठा हुआ है और मंगल के नक्षत्र का है, तो मंगल आपका खराब है, तो उसके लिए आप हो सके तो मंगल मत पहनिए, लेकिन आप एक पन्ना का रत्न धारण करते हो 3.25 से 4 कैरेट का, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है।